हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घरों पे ठीक हो। नैना स्टारवर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और आज मैं करने लगी हूँ बड़ी रीडिंग, ठीक है। और इसका हमारा टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर को उनका कर्मा मतलब फेस कर रहे हैं या उनको उनका कर्मा मिलेगा। हम इस टॉपिक पे रीडिंग बनाएंगे, ठीक है। और गाइज, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूंगी। उस दिन मैंने आपके साथ सुपर चैट की बात शेयर की तो काफ़ी मेरे व्यूवर्स के मैसेज आए हैं कि मैम हमें सुपर चैट करने में दिक्कत हो रही है। तो गाइज, मैं आपको दूसरा ऑप्शन एक और देती हूँ, वो ये है कि आप मुझे गूगल पे कर सकते हो या आप पेटीएम कर सकते हो। ये दूसरा मैंने आपको ऑप्शन दिया है। अगर आपको सुपर चैट पे दिक्कत हो रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना सवाल छोड़ सकते हो और आपको डिटेल बता दी जाएगी कि मतलब एक सवाल के लिए कितने चार्जेस है, दो के लिए कितने हैं, वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। जितने भी आपने सवाल पूछने हैं उसी अकॉर्डिंग आपको चार्जेस बता दिए जाएंगे और आप गूगल पे और पेटीएम करके अपने सवाल का जवाब ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि लोग बड़ी रीडिंग नहीं करवाना चाहते, उनके सवाल सिर्फ एक या दो होते हैं कभी कभी, ठीक है। तो उसके लिए हर किसी के इंसान के मन में आता है कि इतनी बड़ी रीडिंग करवा के क्या करना है, ठीक है। तो अगर आप, ये मैं सिर्फ आप लोगों को की बातें, आप लोगों के हालात देखकर मैंने ये चीज सोची है। और जैसे ही मेरे किसी व्यूवर्स की मैसेजेस आए कि मैम वो सुपर चैट पे बहुत दिक्कत हो रही है, तो कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए सेकंड ऑप्शन चुन लिया है। आप गूगल पे या पेटीएम करके अपने सवाल का जवाब ले सकते हो, ठीक है। और चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का। ओके, देखिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया डेप्थ। एक मिनट गाइज, मैं थोड़ी रोशनी कम कर लूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। वेट, यस, अब आपको, क्योंकि रोशनी बहुत ज्यादा थी मुझे लग ही रहा था। आज मैंने थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है, मैंने सोचा। ओके, एट ऑफ वैंड्स, द फूल, पेज ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल। वेट, मैं कार्ड शफल कर लूं। एंजल प्लीज बताइए, क्या इनके पार्टनर को उनका कर्मा मिल रहा है या उनको उनका कर्मा मिलेगा। थ्री ऑफ वैंड्स, वेट का इस कार्ड ना थोड़े ना उल्टे पकड़े हुए हैं मैंने, काफी कार्ड है जो, और मैं शफल करना चाहिए। एंजल प्लीज मुझे बताइए, क्या इनके पार्टनर को इनका कर्मा मिलेगा, प्लीज बताइए। ओके, ओके, और बॉटम ऑफ द डेक हमारा आया है यहाँ पे। वेट, मैं कार्ड एडजस्ट कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, अगर हमें क्लैरिफाई की जरूरत पड़ी तो मैं क्लैरिफाई भी करूंगी। बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारा एस ऑफ पेंटिकल। तो गाइज, यहां से अगर मैं देखूं, पहले मैं आपको साइंस बता दूं, कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पे, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, एरीज लियो सेजिटेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस और टॉर्स वर्गो कैप्रिकॉन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे साइन ही कवर हो गए हैं। गाइज, अगर मैं देखूं कि आपके पार्टनर को उनका कर्मा मिल रहा है तो यस, उनको कर्मा तो उनका मिल रहा है। अब आप बोलोगे कि कैसे दी कर्मा, कैसे मिल रहा है। देखिए गाइज, आपके पार्टनर आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी के पास गए, ठीक है। आपको छोड़कर वो किसी थर्ड पार्टी के पास गए और वहां गए हैं तो सिर्फ दो रीजन से। अब दो रीजन क्या थे? एक तो था आपके पार्टनर का मनचला स्वभाव कि एक पे कभी नहीं टिकना, कभी इधर कभी उधर। और आपको भी पता है, जो बंदा ज्यादा की चाह रखता है ना, वो इंसान कभी भी एक रिश्ते को टाइम नहीं दे पाएगा, एक रिश्ते के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, ये आपको भी पता है, ठीक है। और यहां पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आप दोनों के रिश्ते में प्रैक्टिकल सोच को ज्यादा अहमियत दी, अपनी प्रैक्टिकल सोच को यूज किया, उन्होंने आपको भी यूज किया, ठीक है, लेकिन आपको इमोशनल यूज किया क्योंकि आप इमोशनल पर्सन थे बहुत ज्यादा, उनकी बातों में आने वाले भोले इंसान थे आप जो वो बोलते थे आपको ये लगता था कि नहीं, मेरा बंदा तो सिर्फ मुझसे बात करता है, मेरा बंदा तो मुझे कभी झूठ बोल ही नहीं सकता।
लेकिन उन्होंने हमेशा आपकी तरफ ऑन ऑफ रखा है। कभी भी आपका रिलेशनशिप एक जगह पे मुझे लगता है कि स्टिल नहीं रहा। कभी आपके पार्टनर आ गए, कभी आपके पार्टनर चले गए, कभी ब्लॉक कर दिया, कभी आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, कभी आप दोनों के मैसेजेस में गैप डाल दिया। ठीक है, आपके पार्टनर की मुझे ऐसी सोच दिख रही है। ठीक है, क्योंकि और यहां पे आपके पार्टनर ने दोनों तरफ बैलेंस करके प्रैक्टिकल माइंड यूज किया है। हाँ, लेकिन ये चीज मुझे दिखाई दे रही है, आपके साथ इमोशंस को यूज किया गया, लेकिन दूसरी साइड भी आपके पार्टनर ने प्रैक्टिकल, अगर आपको लगता है कि आपको छोड़कर आपके पार्टनर जिनके पास भी गए हैं या इस टाइम राइट नाउ किसी के साथ करंटली डील कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपके पार्टनर दो रीजन से गए हैं। फर्स्ट, मुझे अट्रैक्शन दिख रहा है, दी स्टार की एनर्जी आई है, और सेकंड मुझे पैसा। हो सकता है सामने वाली जो पार्टी है वो काफी ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, काफी ज्यादा फाइनेंशियली उनके पास फाइनेंस है, और आपके पार्टनर ने प्रैक्टिकल माइंड सोचा कि इसके साथ जुड़ के मैं आगे ग्रो कर सकता हूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ, अपने करियर में आगे बढ़ सकता हूँ, या हो सकता है करियर का भी ना सही, हो सकता है उनको ये लगता है कि इनसे मेरी नीड्स पूरी हो रही है। ठीक है, अब नीड्स क्या है, हो सकता है सामने वाली जो पार्टी है वो दिखने में अच्छी थी, सुंदर थी। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी हर चीज पे अट्रैक्ट हो जाते थे। आपके सामने भी हो सकता है उन्होंने कभी बोला हो कि मतलब यार तुम्हारी फ्रेंड बहुत सुंदर है, या ये है, या फलाना है, या निमकाना है, या ऐसा नहीं बोला, या आपको ही कभी महसूस हुआ हो कि मतलब मेरे पार्टनर कैसे हैं, ये हर बंदी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। हो सकता है आपने मन ही मन में इस चीज को ऑब्जर्व किया हो, लेकिन आपने कभी अपने पार्टनर को ये चीज बोली ना हो, लेकिन यहां से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अगर आगे बढ़े हैं, ठीक है, तो उनके साथ तो वहां पे भी सिर्फ और सिर्फ गेम खेलेगी प्लेयर एनर्जी में। वहां पे भी आपके पार्टनर, अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपके वहां, क्योंकि वहां पे उनकी दोनों नीड्स पूरी हो रही है, उनको अच्छी लाइफस्टाइल मिल रहा है उनके साथ रह के, और उनको अपनी वो एक नीड्स, आप नीड्स समझ सकते हो कि फिजिकली नीड, उनकी दोनों चीजें पूरी हो रही है। ठीक है, उनको मतलब अच्छा स्टाइल मिल रहा है, खान पान मिल रहा है उनको अच्छे, हो सकता है सामने वाली पार्टी उनको अपने हाथ में रखने के लिए काफी ज्यादा गिफ्ट्स देती है, या मतलब उनको काफी ज्यादा अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले पर्सन को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए काफी ऐसी चीजें करती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो इंसान उसके साथ डील कर रहा है वो खुद भी प्लेयर एनर्जी में, क्योंकि उनके साथ भी आपके पार्टनर झूठ बोलते हैं, आपके पार्टनर उनको मैनिपुलेट करते हैं, आपके पार्टनर उनको वहां पे भी धोखा दे रहे हैं, और थर्ड पार्टी को ये लगता है कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए लॉयल है, ये मुझसे प्यार करता है, लेकिन आपके पार्टनर उनके साथ सिर्फ और सिर्फ नीड की वजह से जुड़े हुए हैं, फिजिकल नीड, और दूसरा उनको अच्छा लाइफस्टाइल मिल रहा है। हो सकता है वहां से काफी फोन्स, गिफ्ट्स, कपड़े, ये वो सारे उनकी नीड्स पूरी वो सामने वाली पार्टी कर रही है, जिनकी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि मतलब मेरे तो वारे नहीं आ रहे हैं। ठीक, लेकिन एक चीज बोलूं, यही थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को मजा चखाने वाली है। अब आप बोलोगे कि कैसे दी, क्योंकि यहां पे डेथ की एनर्जी आई है, इस रिश्ते का मुझे एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पापों का घड़ा एक टाइम पे आके भरता है, तो यहाँ पे मुझे वही दिखाई दे रहा है कि पापों का घड़ा भरने में अभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और मुझे यहां से क्लियर एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर ने उस रिश्ते में रिस्क तो लिया है, दी फूल की एनर्जी आई, रिस्क लिया है, लेकिन वो रिस्क आपके पार्टनर को बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी को भी सेम समझा जैसे कि आप हो, उनको ये लगा कि आपको अगर मैं मैनिपुलेट कर सकता हूं इमोशनली, तो मैं थर्ड पार्टी को भी कर सकता हूं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हर बंदा सेम नहीं होता। अगर आपने अपने बंदे को या बंदी को खुली बाहों से स्वागत किया, उनकी हर तकलीफ में उनका साथ दिया, या उनकी हर गलतियों पे पर्दा डाला, तो ये नहीं कि दूसरा इंसान भी सेम करेगा या दूसरा इंसान भी उनको सेम समझेगा, तो जिनकी वजह से अब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत अच्छा मजा चखाने वाली है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की प्लेयर एनर्जी को जान चुकी है, उनको पता लग चुका है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ उसके दिल दिमाग से खेल रहा है, उनकी फीलिंग से खेल रहा है। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर को भी पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी उनके ऊपर नजर रख रही है काफी ज्यादा, और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी से हेल्प भी ले रहे हैं, किसी को मैसेजेस कर रहे हैं, किसी
को किसी की हेल्प लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी की तरफ एक्शन ले रहे हैं, और कोई या हो सकता है मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आए। मुझे ये भी एक वाइब्स आ रही है कि आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूं पेज की एनर्जी, आपके पार्टनर ने जो भी डिसीजन लिया ना वो बहुत एक अनमेच्योरिटी में ये डिसीजन लिया, या बचकानी हरकतें बोल सकते हो, या उनका एक उनकी एक भूख बोल सकते हो, ठीक है, कि उनके अंदर एक भूख है पैसों की या एक नीड्स की, अपनी नीड्स पूरी करना। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर अगर किसी भी रिश्ते में गए हैं आपके बिना भी, वो वहां पे सिर्फ उन्होंने अपना प्रैक्टिकल माइंड यूज किया, या तो अट्रैक्शन या प्रैक्टिकल माइंड। मुझे इमोशंस का एक भी कारण नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा कि अगर मैं बोलूं कि नहीं, आपके पार्टनर के अंदर बहुत इमोशंस है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, हर किसी की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर जिनके भी साथ जुड़ते हैं उनको ये लगता है कि लॉन्ग टर्म इसके साथ बहुत अच्छा चलेगा, मजा आएगा, और मेरा लाइफस्टाइल भी अच्छा चलता रहेगा, मेरे जो मेरी नीड्स है वो भी पूरी होती रहेंगी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मतलब हर इंसान एक जैसा नहीं होता, जब कर्मा हिट करता तो बहुत करता, लेकिन आपके पार्टनर को उनका कर्मा बहुत जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि इस रिश्ते का मुझे एंड हो, ये देखिए अभी मैंने कार शफल की और ये देखिए डेथ, क्योंकि सामने वाली जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा आपकी तरह भोली भाली नहीं है कि जैसे आपके पार्टनर ने जो आपको बोल दिया आपने मान लिया और आपको लगा कि नहीं मेरा बंदा तो बहुत सही बोल रहा है। लेकिन जो सामने वाली पार्टी मिली है वो इसकी भी माँ है, लेकिन वो इसको पूरा मजा चखाने वाली, वो अपनी फीलिंग से अपने इमोशन से इस इंसान को खेलने नहीं देगी और इस रिश्ते का एंड करने वाली है। क्योंकि उस इंसान को, थर्ड पार्टी को जो भी है पता चल चुका है कि उनके जो पार्टनर है, मतलब आपके पार्टनर, वो उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनको चीट कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास उनको कुछ ना कुछ आपके पार्टनर के बारे में पता चला हो। ये देख लीजिए इस रिश्ते का एंड होने वाला है, जैसा आपके साथ हुआ है वैसा ही उनको उनका कर्मा मिलने वाला है। ये देख लीजिए उनको उनका कर्मा मिलने वाला है वहां पे। ये इंसान जो है ना वो बहुत बड़ा मजा चखाने वाला है, बहुत ज्यादा, और आपके पार्टनर की लाइफ में तबाही स्टार्ट हो चुकी है जैसा उन्होंने आपके साथ किया है। अच्छा गाइज एक चीज और बता दूं, अगर आपके पार्टनर किसी के साथ कमिटेड भी है ना, मुझे पता नहीं क्यों एक मैसेज आया, अगर वहां से भी उनका रिश्ता टूट चुका है या टूट चुका है या टूटने वाला है, क्योंकि उन्होंने आपके पार्टनर को ऑब्जर्व किया कि ये इंसान हर चीज की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, और जो इंसान अपने दिल पे काबू नहीं पा सकता वो किसी एक इंसान का हो ही नहीं सकता। जिस इंसान को अपनी फीलिंग्स पे, अपने इमोशंस पे काबू नहीं है ना, वो कभी भी एक इंसान का नहीं हो सकता। तो यहां पे उनकी बर्बादी स्टार्ट हो चुकी है या होने वाली है, क्योंकि कर्मा तो उनको मिलेगा। एंजल प्लीज बताइए पेज ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों आई है यहां पे। देखिए मैंने बोला था ना कि अगर आपके पार्टनर किसी के साथ कमिटेड है, तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया और वही चीज निकल आई है, आपके पार्टनर अगर किसी के साथ कमिटेड हैं तो वहां पे उसकी तबाही स्टार्ट हो चुकी है। हैंगमैन, आपके पार्टनर बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो इस इंसान को आसानी से यहां से निकलने नहीं देगी, पूरा इसकी नाक में दम करेगी या दम कर रखा है। क्योंकि थर्ड पार्टी मैंने बोला ना बहुत फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है और दिखने में भी काफी स्ट्रांग मुझे लग रही है, और वो इतनी आसानी से इस इंसान को इस रिश्ते से निकलने नहीं देगी, इस इंसान को मजा चखाने के बाद ही इस रिश्ते से निकलने देगी, इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। तो आपके पार्टनर को उनका कर्मा नहीं, मुझे तो ये लगता है कि पूरी तबाही आ गई है। एंजल प्लीज बताइए थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है। यस, आपके पार्टनर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा मिरिकल हो जाए या कुछ ना कुछ मैं ऐसा करूं कि मतलब मैं इस प्रॉब्लम से निकल पाऊं, या हो सकता है अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अपने वर्क पे काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या इस रिश्ते पे मतलब इस रिश्ते पे सामने वाले पार्टनर के साथ ऑनेस्टी दिखा रहे हैं, या उनको ज्यादा ओवर गिविंग प्यार दे रहे हैं ताकि ये इंसान फिर से इनकी बहकावे में आ जाए। क्योंकि यहां से मुझे यही लग रहा है कि ये इंसान फिर से
काफी ज्यादा इस इंसान को मैनिपुलेट करने पे लगा हुआ है। इस रिश्ते इस इंसान को ये दिखा रहा है कि नहीं, मैं तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा ट्रस्टफुल हूँ, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हूँ, और हो सकता है वो उनको झूठा प्यार दिखा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ ठीक हो जाए। ये देखिए मून की एनर्जी, तुम आपके सामने नेगेटिव कार्ड सारे आ रहे हैं, और यहाँ पे भी देखिए आपके पार्टनर का जो माइंड है ना इस टाइम बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है, बिल्कुल ब्लैंक। और मुझे ये भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। उनको उनका कर्मा तो मिल रहा है, बहुत ज्यादा कर्मा मिल रहा है। आपके पार्टनर को स्लीपलेस नाइट हो रही है, वो सो नहीं पा रहे, और बहुत ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन में मुझे लग रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने, देखिए जो जैसा करेगा उनको वैसा ही मिलेगा, और आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, ठीक है, लेकिन अब आपके पार्टनर ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनके साथ चीटिंग हो रही है। उनको ये लगता है कि थर्ड पार्टी ने उनको चीट किया, जबकि उनको ये नहीं पता कि आपने चीट नहीं किया, आपने इस इंसान को हर हालातों में इनको एक्सेप्ट किया, ये जैसे भी थे। ये देखिए फाइव ऑफ सॉर्ड्स, मैंने अभी जो बोला वही चीज है। आपके पार्टनर को लगा कि थर्ड पार्टी ने, लेकिन एक चीज मैं और बोलूंगी गाइस, वेट गाइस, सॉरी गाइस, बीच में कॉल आ गई थी, कट हो गई थी। तो यहां से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को एक ना एहसास होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से, और ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, और यहां पे भी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, यहां पे भी मुझे एरीज लियो सजिटेरियस दिखाई दे रहा है, ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, टॉर्स वर्गो कैप्रिकॉर्न है। तो गाइस जो मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर को ना एक अंदर से एहसास हो गया कि उन्होंने आपके साथ झूठे मूठे झगड़े किए, जानबूझ के ऐसे हालात क्रिएट किए कि वो आपको झूठा ठहराकर इस रिश्ते से निकल पाए। उन्होंने आपका जो भी, आप दोनों में प्रॉब्लम्स आई, लड़ाई झगड़े हुए, कुछ भी हुआ, मुझे नहीं पता आप दोनों में क्या हुआ, लेकिन आपके पार्टनर ने जाते जाते सारे ब्लेम आप पे देकर गए, या आपको इग्नोर करके गए, या आपको कुछ बताया भी नहीं और इस रिश्ते से निकल गए। लेकिन क्योंकि उन्होंने इस रिश्ते से निकलना था, उनको बहाना चाहिए था इस रिश्ते से निकलने के लिए, लेकिन यहां से आपके पार्टनर को अब ये एहसास होता हुआ दिखाई दे रहा है कि उस ऑनेस्ट पर्सन के साथ मैंने जो किया वही मेरे साथ हो रहा है। लेकिन ये एक ऐसा इंसान है, मैं घटिया इंसान ही बोलूंगी, कि इस इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सामने से आकर आपको सॉरी बोले, क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया, मुझे दिखाई दे रहा, मुझे वाइब्स वैसी आ रही है कि इस इंसान ने आपको पैर पैर पे हर जगह पे हर्ट किया, एक छोटी छोटी बातों के लिए, एक 5 मिनट का टाइम देने के लिए भी इस बंदे ने आपको तरसाया, जो मुझे यहां से दिखाई दे रहा है। और आप हर दिन हर्ट हुए हो इस इंसान की वजह से, इवन कि कई मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो रातों को सो भी नहीं पाए। देखिए अब आपके पार्टनर को आपकी याद आ रही है, उनको ये लग रहा है कि अगर उनको किसी ने संभाला है या किसी ने सच्चा प्यार दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप थे, और आपने ही इस इंसान को समझा है, उनको ये लगा, ठीक है। और यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की साइन आई है, और यहाँ पे भी टॉर्स वर्गो कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का बुरा वक्त स्टार्ट हो चुका है। जितना उन्होंने गलत आपके साथ करना था वो कर चुके हैं, अब उनका बुरा वक्त स्टार्ट हो चुका है। अब वो एक मिनट, सॉरी गाइस, वो एसी बंद करना था जिसकी वजह से मैंने वीडियो को म्यूट कर दिया था। देखिए गाइस यहां से मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर का बुरा वक्त स्टार्ट हो चुका है, काम डाउन स्टार्ट, ठीक है। तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने भी बोला ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आपके पार्टनर ने आपके साथ किया, जो भी किया, मुझे नहीं पता आपके पार्टनर ने आपके साथ क्या किया, लेकिन जो भी किया है आपके पार्टनर बहुत ज्यादा उस चीज को मुझे भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, आपके पार्टनर अपनी प्रॉब्लम्स में और जो भी सिचुएशन चल रही है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी ज्यादा उस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी ज्यादा बैलेंस कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए।
और यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि वो अपनी सिचुएशन में बैलेंस कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से ये सिचुएशन संभल जाए और उनकी लाइफ में जो तबाही आ रही है वो यहीं थम जाए, क्योंकि आपके पार्टनर काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए टू ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं और जगलिंग किस चीज की हो रही है, क्योंकि उनको ये लगता है वो आपके साथ जो डिस्टेंस मेंटेन किया था उस डिस्टेंस को खत्म करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उस दूरी को खत्म करना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि वो ओवरथिंकिंग कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ आकर आपको सारी बातें बताना चाहते हैं, जिसकी वजह से ओवरथिंक कर रहे हैं कि आपकी तरफ आना उनका राइट मतलब एक्शन होगा या रॉन्ग, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया इतना होने के बावजूद आप तो उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। उनके मन में एक शंका है जिनकी वजह से वो यहाँ पे ओवरथिंकिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन में बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए बैलेंस का कार्ड है, यहाँ पे भी काफी ज्यादा अपनी प्रॉब्लम में पेशेंस रख के बैठे हुए हैं और डिवाइन को प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो जाए, लेकिन वो सॉल्व होती हुई मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, तो कर्मा तो उनको हिट कर रहा है, लेकिन अब उनको आपकी याद आ रही है। आपकी याद क्यों आ रही है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर उनको कोई अंडरस्टैंड करता था वो आप थे, अगर उनको अनकंडीशनल किसी ने प्यार दिया वो आप थे, अगर उनको जैसे भी थे वो अच्छे थे बुरे थे उनमें अच्छाइयां थी बुराइयां थी, आपने उनको हर चीज के साथ एक्सेप्ट किया, लेकिन वही चीज अब आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर खाई जा रही है। उनको ये लगता है कि वो खुद ही इस सारी तबाही का कारण है। ठीक है, और आपको पता है ये चीजें तब याद आती हैं जब हम कुछ गलत करते हैं। जब तक हमारी लाइफ में अच्छा अच्छा हो रहा है ना, हमें कभी भी किसी की वैल्यू नहीं पड़ती। लेकिन हमारा जो सवाल था कि आपके पार्टनर को कर्मा मिलेगा या मिल रहा है, मिलेगा नहीं डियर, यहाँ पे तबाही आ चुकी है आपके पार्टनर की लाइफ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, चार कार्ड मैं और निकालती हूँ। आपके पार्टनर भगवान से प्रे कर रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि एक बात बोलूं डियर, ये आपके साथ जजमेंट हो रहा है, डिवाइन आपको एक जजमेंट दे रहे हैं। और आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आपने उनको कभी भी जज नहीं किया कि आपने क्या पहना है, आप कैसे हो, आपकी नेचर कैसी है, आप उनको इतना हर्ट क्यों करते हो। कभी भी आपके पार्टनर को ये लगता है कि कभी भी आपने एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया उनके ऊपर। लेकिन अब डिवाइन आपके आपको ये देखिए कितने अच्छे जस्टिस आपके साथ जस्टिस होने वाला, जो भी आपने इतनी हार्टफुल सिचुएशन में आपने सफर किया या आप उन चीजों से निकल कर आपने अपनी लाइफ में एक कदम आगे रखा है, तो अब आपके पार्टनर का जो आपके साथ गलत हुआ है ना, उस चीज का कर्मा तो क्या मैं बोल रही हूं कि डिवाइन उनका, मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहती, डिवाइन उनका बहुत ज्यादा उस इंसान की हालत खराब करने वाला है। ठीक है ना, और अब आपके पार्टनर ओवरथिंकिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और मुझे ये भी लगता है कि कई मेरे व्यूवर्स हैं जो अपने रिश्ते में आगे भी बढ़ चुके हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। और गाइस यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने फीलिंग्स पे अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा चुके हो। पहले आप बहुत ज्यादा अपने पार्टनर को याद करते थे, मिस करते थे, ये नहीं बोलूंगी कि मिस अब नहीं करते, लेकिन अब आपने अपनी फीलिंग को होल्ड करना सीख लिया, कंट्रोल करना सीख लिया, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए दो कार्ड गाइडेंस के निकाल लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। सॉरी गाइज, थोड़ा सा आवाज आएगी आपको क्योंकि घर में काम चल रहा है। आपने अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर ली है, कई मेरे व्यूवर्स हैं जो आगे बढ़ चुके हैं, और लेकिन कई मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो आज भी अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है, आज भी उनको याद करते हैं, उनको मिस करते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए मैं एंजल्स की गाइडेंस निकाल लेती हूँ कि एंजल्स आपको क्या आज के दिन मैसेज देना चाहते हैं। चलिए इनर पावर देखिए, मैंने यहाँ पे स्ट्रेंथ आया, देखिए दोनों इनर पावर और स्ट्रेंथ, आपने अपनी फीलिंग पे कंट्रोल पाना सीख लिया है, लेकिन आपने अपनी फीलिंग को इतना भी कंट्रोल नहीं करना कि अंदर के एक छोटे से बच्चे को मार डालो आप, या आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाओ, नहीं, आपने अपनी लाइफ में हंसी मजाक रखना है, एक प्यार की फीलिंग रखनी, प्यार की भावना रखनी, अपने आप को पैम्पर करना है,
अपने आप को संवारना है। ये नहीं कि एक अपने अंदर के बच्चे को मार दो, जो एक हंसता था, खिलखिलाता था, लोगों से बात करता था, मिलता था, अपने वो चीजें नहीं करनी। अपने आप को मारना नहीं है, अपने कंट्रोल पाना है, उन फीलिंग पे कंट्रोल पाना है कि कोई भी सामने वाला इंसान आपकी फीलिंग के साथ ना खेले। अपने उन चीजों पे कंट्रोल पाना है, जो आपका इनर वाला बच्चा है ना, उनको उन पे नहीं कंट्रोल करना। उनको जीने दीजिए, उनको बाहर निकालिए और उस बच्चे को जीने दीजिए दुनिया के साथ, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा, अपने आप को लव कीजिए। सबसे पहले है सेल्फ लव, अपने आप को लव कीजिए। दूसरों को लव बाद में दीजिएगा, सबसे पहले भगवान भी बोलता है कि खुद को प्यार करना सीखिए, ठीक है। और डिवाइन ने एक प्यार, एक सोर्स है हमारे लिए जीने का, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइस रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और गाइस, इस टॉपिक पे आपने सोचा होगा कि दी ने एकदम से रीडिंग कैसे बना दी। एक्चुअली मुझे काफी दिनों से पता नहीं क्यों नेगेटिव सी वाइब्स आ रही थी, और मुझे लगा कि ये रीडिंग बनानी चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे आपकी वाइब्स आई कि काफी मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा हार्टफुल सिचुएशन में है, काफी ज्यादा सैड है, काफी ज्यादा टेंशन में लग रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना ये रीडिंग बनाऊं, ताकि आपको भी पता चले कि आपके पार्टनर किस सिचुएशन में है, ठीक है। क्योंकि आपको पता चलना बहुत जरूरी है, और यही एक जरिया है जहां से आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा और क्या तबाही आ चुकी। और गाइज, आपका हमारा सवाल था कर्मा, कर्मा नहीं, यहाँ पे बहुत बुरी हालत इनसे इंसान की होने वाली है। लेकिन एक चीज बोलूं, अब ये मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे अभी इंट्यूशन एक मिली, स्पिरिट की तरफ से मैसेज मिल रहा है कि ये आपकी तरफ वापस लौटने का सोच रहे हैं, और हो सकता है आपके पार्टनर वहां से निकलकर आपके पास आए, ठीक है। तो आपकी कॉल है कि आपने आगे, अगर ये इंसान आपकी तरफ फिर से आता है, तो आपने इस बंदे पे ट्रस्ट, बंदा बंदी जो भी है, इस पे ट्रस्ट करना है या नहीं करना है, ये आपकी कॉल है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, वीडियो बंद क्लोज करने से पहले ही रीडिंग बहुत बड़ी हो चुकी है, और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं इतना ही बोलूंगी कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया कीजिए, और प्लीज मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ताकि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकूं, और दूसरे चैनल पे भी मैं साइंस की रीडिंग बड़ी बना सकूं, ठीक है। मैं वेट कर रही हूं आप लोगों के वहां पे विजिट करने का, कि ज्यादा से ज्यादा वहां पे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं वहां पे बड़ी रीडिंग स्टार्ट करूं, ठीक है। तो आपके लिए साइंस के अकॉर्डिंग, कभी आपके साइंस के अकॉर्डिंग, कभी आपके पार्टनर के साइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूसरा, मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही बता दिया कि अगर मेरे साथ आप कोई भी एक या दो या तीन सवालों के जवाब पूछना चाहते हो, तो आप मुझे गूगल पे या पेटीएम करके अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हो। जैसे ही आप मैसेज करोगे, मेरी टीम आपको डिटेल बता देगी, ठीक है। तो चलिए, रीडिंग क्लोज करने से पहले सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, पॉजिटिव रहिए, सेल्फ लव कीजिए, और प्यार से हमेशा बोलते रहिए राधे राधे।